गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूँ वाई फाई स्टडी स्टूडियोज विच इज अपार्टमेंट अकेडमी। तो आज फिर से हम लोग दोपहर 12 बजे जुड़े हैं कहाँ पे, वाई फाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, जहाँ रेगुलर हम लोग 25 क्वेश्चन देख रहे हैं, 25 सवाल देख रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ने वाले बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले भाई अली, आनंद सिंह, किरण कुमारी, साहिल, खुशबू, सुनील। चलिए, तो मेरी आवाज पहुंच रही है ना भाई, प्रॉपर तरीके से आ रही है ना मेरी आवाज। और आज फिर से हम लोग सेट नंबर 30, यानी आज सेट 30, जिनमें से 25 सवाल, यानी कहें हम 750 सवाल, 25 या 75 हो गया ना, 750 के लगभग। उम्मीद करेंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमारी क्लास जैसे आप उम्मीद करते हो, है ना। चलिए देखिए आगे। अब याद रखना माय डियर कि दोपहर 12 बजे 12 PM पे एसएससी कैटेगरी में कल से यानी 15 सितंबर से एक बैच शुरू हुआ था, 12:40 पे, सॉरी। कल एक पहला लेक्चर हुआ था, आज दूसरा लेक्चर, सेकेंड लेक्चर है, आज दूसरा लेक्चर है। और अभी देखोगे एसएससी कैटेगरी में ना अनकैडमी आपको बहुत फायदा दे रही है। अभी देखो सेम प्राइस है, आप कोड यूज करते हो 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन साथ ही साथ बेनिफिट क्या है, 8 महीने एक्स्ट्रा एडिशनल, ये जबरदस्त फायदा है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में 4 महीने, जबरदस्त फायदा है ये। ज्वाइन जरूर करें भाई, है ना, ये आप देख सकते हो, 8 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, 2 महीने। तो आज दूसरा बैच है, दूसरा दूसरा लेक्चर है, दूसरी क्लास है, जिसमें वायसराय पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? वायसराय या गवर्नर जनरल, ठीक है। हाँ विकास, अब सब बोलने लगे हैं ना। और देखो रेलवे कैटेगरी की बात करें माय डियर, तो 9:05 पे सुबह रेलवे कैटेगरी में, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, RRB NTPC में पूछे गए जो सेट हैं उसको चर्चा कर रहे हैं ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन करें। आइए देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 9, 12, 13, क्वेश्चन नंबर 1। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बताओ बच्चे क्या होगा, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? खो खो में अगर खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 9, कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। खो खो महाराष्ट्र में कहां पर आविष्कार हुआ खो खो? तो खो खो महाराष्ट्र में, भारत में आविष्कार किया गया एक लोकप्रिय टैग गेम है। 15 से 12 खिलाड़ी नामांकित किए जाते हैं, लेकिन खेलते कौन है? कितने? 9 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी खेलते हैं, है ना, याद रखना। कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 9 प्लेयर। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन विच ईयर? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 61, 66, 59 या 52? क्वेश्चन नंबर 2। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, जरा दोनों पानीपत की चर्चा कर देना जरा कमेंट बॉक्स में। तो 1526, 1556, 1761। अगर हमें डेट की बात करें तो 21 अप्रैल, 5 नवंबर, 14 जनवरी, 14 जनवरी, ये 3 युद्ध हुए हैं पानीपत। पानीपत कहाँ पे? हरियाणा में। पानीपत कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। सवाल नंबर 3, द 2022 AFC वीमेंस एशियन कप विल बी होस्टेड बाई विच कंट्री? 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा माई डियर? तो भारत। 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा किया जाएगा। 2022 AFC महिला एशियाई कप का 20वां संस्करण है, 20th एडिशन है, एशिया में चौथा, इसकी मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा, है ना। भारत में कहां, जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पुणे में बेटा, महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र कहां पर होगा? महाराष्ट्र में, है ना। लोकसभा की 17वें और वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
सुमित्रा महाजन, मनोहर जोशी, मीरा कुमार, ओम बिड़ला, क्वेश्चन नंबर 4। 2023 में चाइना, 2023 में चीन चले जाएंगे बिल्कुल। तो भी आप देखोगे 17वां और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिड़ला पहली फर्स्ट फीमेल जिनका संसदीय क्षेत्र कहां पे, सासाराम, जो 2019 के चुनाव में, हाँ ये 16वीं सुमित्रा महाजन है ना, 16वीं सुमित्रा महाजन जो इंदौर से चुन के गई थी और सासाराम से मीरा कुमार, और ये मीरा कुमार जी 15वीं मीरा कुमार जी 15वीं, ठीक है। ओम बिड़ला साहब 17वीं और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिड़ला एक भारतीय राजनीति की जो लोकसभा के 17वीं और वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजस्थान में कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद सदस्य हैं। तो कहां से, ठीक है यार, ये बफर क्यों हो रहा है यार, हमें समझ नहीं आता है। सब कुछ सही रहता है, नेटवर्क सही रहता है, फिर भी बफर हो जाता है। तो सब कुछ सही है, नेटवर्क सब सही है, अब बताओ बफर है, अब क्या ही बोलूं। देख रो सब कुछ सही है फिर भी बफर हो जाता है। बताओ सब कुछ सही है फिर भी बफर है, पता नहीं किसने बच्चे, कौन बच्चे कहता है बफर है। वार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, वार एंड पीस इज अ नोबेल ऑथर्ड बाय हुम, जल्दी, पता नहीं ये बारिश के कारण ऐसा हो रहा है भाई। तो वार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया वार एंड पीस। वार एंड पीस रूसी लेखक, रूस के लेखक हैं, लियो टॉलस्टॉय का एक उपन्यास जिसे 1869 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, भारत में कुल महाजन पदों की संख्या कितनी है, 16 लिखो गया ना, 16 में से 8 कहां, यूपी में। और याद रखना आज रात 10 बजे 10 PM पे महाजनपद प्लस मगध स्पेशल क्लास है आपके। स्पेशल क्लास है, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। तो महाजनपद की बात करें, 16 राज्य या कुलीन गणराज्य थे जो उत्तरी शहर भारत में, दूसरी शहरीकरण 600 BC के आसपास। तो वे जैन धर्म सूत्र व्याख्या प्रज्ञापी के अनुसार संख्या में 16 है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भारत के पहले आम चुनाव के बाद किस वर्ष में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, 1949, 1952, 1951, 1955, सवाल नंबर 7। भागवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, एक और मैंने बता दिया अभी, तो 1952 डेट बताओ जरा सा, डेट बताओ, अगर एग्जैक्ट डेट याद है आपको तो 13 अप्रैल पहली, कि 13 मई है, 13 मई। पहला सत्र कब शुरू हुआ था, 13 मई 1952 को, अप्रैल ना होगा, 13 मई है ना। तो भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा गठन किया गया। पहली लोकसभा 5 वर्षों के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली। 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दिया गया। लोकसभा का पहला सेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ है ना, 13 मई 1952 को शुरू हुआ है। डेबिट कार्ड के पीछे के भाग पर सुरक्षा कोड के कितने अंक होते हैं, 5, 3, 16, 12, सवाल नंबर 8 बताइए। मजेदार सवाल होंगे ये। क्या होगा, 16 टेक्निकल अजर, 3
और कोई है? 16 वाले 16 3, राघव प्रजापति 3, रोशनी पठान कह रही है 3। भाई ये 3 है बिल्कुल CVV सिक्योरिटी कार्ड 1 2 3। क्वेश्चन पढ़ो ना भाई, लिखा हुआ है पीछे के भाग पर, फ्रंट थोड़े कहा। अगर फ्रंट होता तब ना आप लगाते 16। अरे बातें समझ में, पीछे डेबिट कार्ड देखना या आधार कार्ड है 12 डिजिट, ठीक है? इसी को CVV यानी सिक्योरिटी कार्ड कोड बोलते हैं। ये क्या है? सिक्योरिटी कोड है, ठीक है? हाँ तो याद रखना, फ्रंट में 16, बैक में 3, ठीक है? ठीक है, डेबिट कार्ड एक भुगतान कार्ड है जो किसी उपभोक्ता के चेकिंग खाते से सीधे उस खरीद के लिए भुगतान करने के लिए पैसे काटता है। सामने वाले हिस्से पे 16 अंक और सिक्योरिटी जो कोड है वो 3 डिजिट होते हैं। कितने? 3 डिजिट, ठीक है? आगे देखो, क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था? मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी। तो क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था बच्चे? मंगल, मार्स, जिसे हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है? क्यूरियोसिटी एक कार, क्या कार का? मार्स का रोवर है, जिसे नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के हिस्से के रूप में गेल क्रेटर का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया। और कब शुरू किया गया ये? तो 26 नवंबर 2011 को केप कैनवरिल से क्यूरियोसिटी शुरू की गई और 6 अगस्त 2012 को उतराई है, ठीक है? आगे देखो, डिओड्रेंट में एंटी परस्पिरेंट के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट। सुनील जी, आप कुछ भी बोल दें ना, ये लोग शेयर करेंगे ना लाइक करेंगे, इसलिए मत बोलिए, आप पढ़ लीजिए, है ना? ये लोग नहीं करेंगे। तो डिओड्रेंट में एंटी परस्पिरेंट के रूप में किस धातु का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं? वो एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है? एंटी परस्पिरेंट ऐसे उत्पाद हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन क्या पता है? कि भैया पसीने को रोकना और जो स्मेल करता है ना, बिल्कुल डिओड्रेंट गंध से बचाता है, जबकि एंटी परस्पिरेंट पसीने और गंध से बचाता है। लुमिंट एंटीपरस्पिरेंट में सक्रिय घटक है जो पसीने को कम करने में मदद करता है, ठीक है? आगे देखो नेक्स्ट, अशरफ गनी किस देश के राष्ट्रपति थे? ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। सवाल नंबर 12, बताओ। तो भाई थे अफगानिस्तान। अच्छा बताना, अभी तालिबान ने किसे राष्ट्रपति बनाया है? तालिबान ने किसे अपना राष्ट्रपति बनाया है या राष्ट्राध्यक्ष बनाया है, जरा बताइए। तालिबान ने किसे अपना राष्ट्राध्यक्ष बनाया है? जल्दी, चलो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे चैट बॉक्स में बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो भाई अशरफ गनी अहमद जई एक अफगान राजनीतिक और अर्थशास्त्री जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुनाए हैं। पहली बार 2014 में चुना गया था और फिर दूसरी बार 2019 में चुना गया था, याद रखना। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो खत्म होने के बाद, अभी पढ़ लो ना। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं और 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मिंटो रिफॉर्म, ठीक है? सांप्रदायिकता का जन्म कब हुआ? तो 1909 में, ठीक है? नेक्स्ट की बात करें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में धीरे धीरे
स्वशासी संस्थाओं को पेश करने के लिए शुरू किया गया था, याद रखना। और इसी की चर्चा करने के लिए इसी पर साइमन कमीशन भारत आता है। कब? 1928 में, है ना। क्या बफर हो रहा है क्या यार? ये समझ नहीं आ रहा बफर क्यों हो रहा है, बफर हो रहा है क्या भाई? मुरारजी देसाई। सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? मुरारजी देसाई ने पेश किया 10 बार। कितने बार? 10 बार, ठीक है। तो 8 वार्षिक और 2 अंतरिम बजटों के साथ मुरारजी देसाई ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने अधिकतम बजट प्रस्तुत किया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में वर्णित किया गया है? और आज है आपकी ज्योग्राफी की बारी। कितने बजे? तो 1:30 PM पे, ये मिस मत करना। तो 343 आर्टिकल कहता है भाई देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा। कौन सा? 343। रॉड 2 परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा लॉन्च की गई थी? पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, रूस। क्वेश्चन नंबर 15। भाई पाकिस्तान। रॉड 2 परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तजुब लगता नहीं कि भाई पाकिस्तान अपना दुश्मन इंडिया को मानता है, ये बताओ। सोचने वाली बात है कि हमने इतना मदद किया जब अलग हुआ देश, फिर भी क्या ही बोलूं। तो भाई रेड 2 मिसाइल एक पाकिस्तान की लंबी दूरी की परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइल है जो 2017 में पहली बार लॉन्च किया गया था, जिसके रेंज कितने हैं? 550 किलोमीटर। विश्व जल दिवस हर साल कब मनाते हैं? 22 अप्रैल, 19 अगस्त, 22 मार्च, 12 जून, सवाल नंबर 16। तो विश्व जल दिवस की बात करें 22 मार्च को और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और बिहार वाले तो और याद रखने चाहिए आपको, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। विश्व जल दिवस एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र का प्लान दिवस है, पालन दिवस है, जो मीठे पानी के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? सवाल नंबर 17। तो ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? रानी रामपाल, विनेश फोगट, पीवी सिंधु, मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या होगा? पीवी सिंधु। ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 पीवी सिंधु ने जीता। किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। तो विश्व चैंपियन शटलर पीवी सिंधु ने लगातार तीसरी बार ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जबकि युवा निशानेबाज जो है शूटर सौरव चौधरी ने पुरुष वर्ग में यह सम्मान हासिल किया है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक? बोसगोरस, एंटीलॉप, सर्वाइकैप, ट्रिडोथेरेसिस, ट्रिस्टस, पावोक्रिस्टेटस। तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये पावोक्रिस्टेटस, ये हमारा क्या है? नेशनल बर्ड। ठीक है, भारतीय मोर जिसे हम आम मोर भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेटस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्या हो गया भाई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें असम में। कहां पे ये? असम में। कहां भाई? असम में स्थित है ना।
तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बच्चे भारतीय राज्य असम में क्यों फेमस है? ये वन हॉर्न राइनो, वन सिंह वाले गैंडों की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी कहां पे? काजीरंगा पे। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 20। तो आप देखोगे लाला लाजपत राय की बात करें तो पंजाब पीएनबी के संस्थापक कौन रहे हैं? लाला लाजपत राय रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने 12 अप्रैल 1895 को की थी। इसका मुख्यालय कहां पे? नई दिल्ली भारत में, नई दिल्ली भारत में मुख्यालय इसका। उगादी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, उगादी महोत्सव कब मनाया जाता, कहां मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ऑल ऑफ द अबव। सवाल नंबर 21। आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी, देख लो। उगादी फेस्टिवल तीनों राज्य में मनाए जाते हैं, उगादी फेस्टिवल तीनों राज्य में मनाए जाते हैं। तो उगादी पहले अमावस्या के एक दिन बाद सूर्य के वसंत विषुव पर आकाशीय भूमध्य रेखा से गुजरने के बाद मनाया जाता है, या भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों के लिए नया साल है, न्यू ईयर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। जागोई वन ऑफ द मेजर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन फ्रॉम, जागोई प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, ये किस राज्य के लिए? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। सवाल नंबर 22 क्या होगा? कर्नाटक फेमस है लेकिन तीनों राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन में तीनों राज्य है तो आपको बनाना पड़ेगा ना, तीनों राज्य ऑप्शन में जब है तब। तो भाई मणिपुर, जागोई प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से एक है जो मणिपुर में होता है। कहां पे होता है ये? मणिपुर में होता है। पर मणिपुर नृत्य जिसे जागोई के नाम से जानते हैं प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से एक है। मणिपुर कैसा? ये क्लासिकल डांस है। तो मणिपुर नृत्य जिसे जागोई के नाम से जानते हैं प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जब अपने हिंदू वैष्णववाद विषयों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जिसमें राधा कृष्ण की बातें कराई जाती है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, बहुत आसान सवाल, न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स, रोम, ढाका। क्वेश्चन नंबर 23। द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर कहां है? तो भाई न्यूयॉर्क। आसान सवाल तो है, मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप में। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि वालेस हैरिसन के नेतृत्व में वास्तुकारों के एक बोर्ड द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है भाई, याद रखना बिल्कुल। स्वर्णिम चतुर्भुज किस वर्ष पूरा किया गया था? स्वर्णिम चतुर्भुज किस वर्ष पूरा किया गया? 1999, 2001, 2011, 2012। हाँ, हरसन नदी के किनारे 2012। तो स्वर्णिम चतुर्भुज किस वर्ष पूरा किया गया? 2012 किया गया पूरा। शुरुआत 2001 में किया गया था वाजपेयी जी के कार्यकाल में, और पूरा हुआ 2012 में। मतलब प्रोजेक्ट की योजना 1999 में बनाई जाती है, 2 साल लगता है इसे लॉन्च करने में, देखो 2012 में पूरा। सोचो कितने मतलब समय लगे हैं, लगभग 10 वर्ष, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी पंक्तियां मौजूद हैं? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, चारों महानगर को जोड़ेगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें, ये सारे सारे जो आज आपने देखा वो, ये वो आरआरबी एनटीपीसी में जो सवाल आए हैं आपके सामने रख दिया मैंने, हूबहू सवाल है। ठीक है भाई, तो आपके सामने, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इतनी पंक्तियां हैं और स्तंभ 16384 क्या हैं? कॉलम हैं। क्या हैं? कॉलम है। ठीक है, तो भाई ये था आज का सेशन। आज फिर से धमाल मचाएंगे हम लोग 1:30 PM पे,
कहाँ पे? वाईफाई स्टडी पे, जहाँ ज्योग्राफी के 30 सवाल दिखेंगे मज़ेदार, बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा अभी प्लस की क्लास है 12:40 पे, अगर आपके पास SSC का सब्सक्रिप्शन है तो आप ज्वाइन करिए हमारे साथ। गवर्नर जनरल और वायसराय बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ना तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑफर ज़बरदस्त है। क्या ऑफर है? 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में 8 महीने एक्स्ट्रा, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में 4 महीने एक्स्ट्रा, और फ्री आपके सामने देख रहे हो, लगा हुआ है ना। ये देखो, ऑफर का फायदा जरूर उठाइए। रेलवे की बात करें माय डियर, तो रेलवे की क्लास हमारी 9:05 में सुबह होती है, जिसमें RRB NTPC CBT 1 में जो सवाल पूछेंगे वो वही सेट करा रहा हूँ। तो आप ज्वाइन जरूर करें, हमारा रेफरल कोड क्या लगाएंगे आप? बाबा टीम, ठीक है। और संडे को कॉम्बेट है तो पार्टिसिपेट जरूर करना, मेगा कॉम्बेट है इस बार। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चे फिर से 1:30 PM पे वाईफाई स्टडी पे, तब तक के लिए सुख।